अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की माश की दाल के बड़े बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये, और जो है बिल्कुल बाजार स्टाइल में बनाएंगे, बहुत मज़े के सॉफ्ट। तो शुरू करते हैं हम रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो है हमने ये ले ली है दाल। दाल मैंने ली है, एक पाव दाल ली है। उसको मैंने जो है 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब वो थोड़ी सी जो है ना इस तरह सॉफ्ट सी हो गई है, इस तरह भीगे हुए थोड़ा सा टाइम होगा तो ये इस तरह से टूट रही है। ठीक है, ये हमने ले ली है। अब हम जो है इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा थिक बनाना है तो पतला नहीं, हमने कर लेना है इसको। तो जी, तो हमने इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट सा बना लिया इस तरह से। देखें इतनी जो है हमने थिक भी रखी है। ठीक है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है इसमें डालेंगे, मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालूँगी। मैं इसमें नमक 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून जो है ये मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून डाला है हमने इसमें नमक। अब हमने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। अब ये जो है ये मैं इसकी मदद से जो है हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। जितना आपने अच्छा फेंटना है ना उतना ही अच्छे जो है हमारे दही बड़े जो है रेडी होंगे। तो इसको 10 से 12 मिनट जो है हमने अच्छी तरह से जो है इतना कर लेना कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। जी, तो अच्छे तरीके से जो है हमने इसको इस तरह से फेंट लिया। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा फ्लफ़ी सा और इस तरह से बन गया। ये एक बाउल में ना थोड़ा सा पानी लेंगे हम और इसको थोड़ा सा हम गिरा के देख लेंगे। अगर तो इसमें जो ऊपर से ऊपर ही ये इसके रहेगा तो फिर जो है ये बन चुका है। अगर इसके नीचे बेस में चला जाएगा तो फिर जो है हम इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। ठीक है, देखिए ये माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सा बन चुका है। ये इसके देखिए ये ऊपर है तो ये इसकी बेस में नहीं गया। अगर नीचे को बैठ जाता तो फिर हमने थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेना था अच्छी तरह से। तो अब हम जो है इसके बड़े बनाना शुरू करते हैं। ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम फ्लेम पे गरम। अब हम जो है इसमें बड़े डालेंगे और इसको करेंगे फ्राई। तो बड़े हमारे माशाल्लाह से एक साइड से रेडी हो गए हैं। अब मैंने इनकी साइड जो है चेंज कर दी है। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, टेस्ट में भी माशाल्लाह से इतने ही मज़े के बनते हैं ये। तो अभी हम जो है इसको अच्छे फ्राई कर लेंगे, हल्का सा लाइट सा बस कलर लेके आएंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जी, तो बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब हम जो है इसको कर लेंगे डिश आउट। आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी वरना बाहर से तो कलर आ जाएगा और जो है अंदर से जो है ये फिर कच्चे रह जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए माशाल्लाह से हमने कितने ढेर सारे बड़े जो है रेडी कर लिए हैं एक पाव दाल से। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के ये इतने सारे रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको इसको जो है बनाना भी इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।